हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन प्रेस कर देना। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला जिनका पैन कार्ड बना हुआ है और उन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया हुआ है, तो प्लीज अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से आप खुद से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है, कहीं पे आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता दोस्तों, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम पे कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो या आप किसी जनसुविधा केंद्र में जाकर, सीसी सेंटर पे जाकर के आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। दोस्तों, लोग भी आसानी से कर देंगे, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों, मैं चलिए स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, यहां पे देखिए, मैं गूगल क्रोम ओपन करूंगा और उसमें इनकम टैक्स लिखूंगा। दोस्तों, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे यहां पे मैंने इनकम टैक्स ओपन किया, ई वेरीफाई, रिटर्न लिंक, आधार स्टेटस, बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। दोस्तों, यहां से मैं अपना इनकम टैक्स कैलकुलेटर कर सकता हूं। देखिए, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है जिसपे मैं गया हूं और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड यहीं से लिंक होगा। दोस्तों, इसमें पूरा दिया हुआ, इंस्टेंट ई पैन, आयोर, एके, ई पैक, टैक्स लिंक, आधार। तो मैं लिंक आधार पे क्लिक करूंगा। दोस्तों, थोड़ा सा बफिंग कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेज नंबर ओपन हो चुका है। अगर मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो भी बता देगा, कुछ इस तरह आएगा। देखिए यहाँ पे पैन लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर भरूंगा मैं। चलिए, मैं भर ले रहा हूं। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा दोस्तों, एक एक स्पेलिंग भरिएगा, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, अब नीचे आता है ऑप्शन आधार नंबर का, मैं आधार नंबर फिलअप करूंगा, उससे पता चलेगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। आप अपना पूरा आधार नंबर भर दीजिएगा और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है योर पैन इज ऑलरेडी लिंकेड टू गिवन आधार। मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक है, तो मुझे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने चेक कर लिया हुआ कि मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। अब चलिए, यहाँ पे जब मेरा लिंक है तो मैं किसी दूसरे का देख लेता हूँ जिसका लिंक नहीं है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पूरा समझ में आएगा? प्लीज स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज पूरा का पूरा देखिएगा। चलिए, मैं यहां पे पैन नंबर भर दे रहा हूं, कुछ भी स्किप नहीं करिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे पूरी हेल्प करूंगा, आप कॉल कर लीजिएगा, पूरा का पूरा हेल्प करूंगा। इसमें आधार नंबर भरते हैं अपना, 12 डिजिट का आधार नंबर, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, वापस से वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, वैलिडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इसको आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। इसका जो फीस है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कंप्लीट द नॉन रिफंडेबल फीस 1000 रुपया, फर्स्ट में ही दिखा रहा है। जो लोग बोलते हैं आपका फ्री में हो जाएगा, तो फ्री में नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 1000 रुपए का फीस पे करना ही पड़ेगा, तभी होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे बताते हैं चलिए पैन कार्ड फ्री में लिंक करिए, फ्री में लिंक करिए, तो फ्री में लिंक बिल्कुल बनी है, 1000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे चलिए चलिए ओपन कर दिया है मैंने, यहाँ पे लिंक करने के लिए दो बार इसमें पैन नंबर भरेंगे, एकदम सही सही पैन लिखा हुआ है, कंफर्म पैन लिखा हुआ है, दोनों को स्टेप बाय स्टेप भर देंगे हम। प्लीज वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन प्रेस कर देना यार, तभी आपको समझ में, क्योंकि आपको अगली वीडियो अगर आपको कोई जानकारी के मुताबिक वीडियो चाहिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, आप जानकारी मिल रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब मुझे भी समझ में आएगा। हाँ, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, जो भी मैं जानकारी देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरिएगा, मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको OTP मांगा जाएगा। दोस्तों, वहां पर आप OTP फिल करिएगा, जब OTP फिल करेंगे तो ऑप्शन आएगा पेमेंट के लिए, आपको फर्स्ट वाले पेमेंट पे क्लिक कर देना है और वहां पे 1000 रुपए फीस का आपको बैंक चूज करने के लिए बोलेगा, कोई भी बैंक चूज कर लीजिएगा।
बैंक यूज करने के लिए बाद उसमें ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या चालान करना चाहते हैं, तो आप डेबिट कार्ड या रुपए कार्ड से किसी से भी कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से सबसे सिंपल और इजी तरीका रहेगा दोस्तों। तो आपको वहां पे पेमेंट करना है और 1,000 रुपए फीस पेमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। आपको वीडियो नहीं समझ में आता तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आपको पेमेंट करने के बाद आपको अपना पेमेंट स्टेटस चेक करना है, क्योंकि वो पैन कार्ड के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका पेमेंट जाएगा और वहां से पेमेंट आपका वेरीफाई होगा। आपको पेमेंट चेक करने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आपका पेमेंट हो गया है तो आप वापस से चेक कर लीजिएगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन का, उसके बाद वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। प्लीज जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों।